Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadhari Yashoda Nandana Vrajana Ranjana Yamuna Tira Vana Jari Yamuna Tira Vana Jari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Radha Madhava Radhe तो आज हम पढ़ेंगे हमसा अवतार स्पोक टू द फोर कुमारस वेरी नाइस इंस्ट्रक्शंस ये बहुत अच्छा उपदेश है इन सारे उपदेश मैं हूँ आपके सामने सचपुत्र गुरुदास तो लो चलो चलते हैं आगे हम पढ़ते हैं देखते हैं क्या उपदेश था हमसा अवतार की मोस्ट लूसिड इंस्ट्रक्शन हरे कृष्णा लेट्स बिगिन ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 13 ये ग्रंथ कांटो टॉपिक है आपको दी हंस अवतार आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द सन्स ऑफ ब्रह्मा ब्रह्मा के पुत्रों के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था हंस अवतार भगवान हंस अवतार को वो अध्याय है ये तो इस चैप्टर में भगवान कृष्ण उद्धव को ये उपदेश दे रहे हैं हाउ ह्यूमन बींग्स ओवरवेन बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन बिकम बाउंड बाय द थ्री मोड्स ऑफ नेचर एंड हाउ टू रिनाउंस दिस मोड्स कि हंस अवतार जो है कि इस संसार में लोग किस तरह इंद्रिय तृप्ति कार्य में जुड़ जाते हैं और फिर इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं तो भगवान यहाँ पर वर्णन किया कि किस तरह उन्हें हंस अवतार जब लिया था तब चार कुमार सनक सनातन सनातन और सनत कुमार ये चार कुमारों से कुमारों का किस तरह उन्होंने शिक्षा लिया तो हम चर्चा करते हैं लेट्स बिगिन इट टेक्स्ट वन सेज ये भगवान के द्वारा ये उच्चारण हुआ श्लोक ये द थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर नेमली गुडनेस पैशन एंड इग्नोरेंस पर्टेन टू मेटेरियल इंटेलिजेंस एंड नॉट टू स्पिरिट सोल ये तीन जो है भौतिक तीन गुण रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण ये तीन भौतिक बुद्धि से ही इनकी लगाव है न कि आत्मा से लेकिन बाय डेवलपमेंट ऑफ मेटेरियल गुडनेस वन कैन कॉन्कर द मोड्स ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस अगर आप सत्वगुण को बढ़ा सकते हैं तो रजोगुण और तमोगुण ये कम हो जाएगा बाय कल्टिवेशन ऑफ ट्रांसडेंटल गुडनेस वन फ्री फ्रॉम वन सेल्फ इवन फ्रॉम मेटेरियल गुडनेस अगर दिव्य जो सत्वगुण ऐसा शुद्ध सत्व को अगर अभ्यास किया जाए
तो भौतिक सत्वगुण से भी ऊपर हो सकते हैं। सत्वात् धर्मो भवेत् वृद्धात् पुंस मद भक्ति लक्षण सात्विको उपासय सत्वम ततो धर्म प्रवर्तते। जब ये जो भौतिक जीव सत्वगुण में ही स्थित होता है तो फिर धार्मिक नीति नियम जैसा कि भक्ति, भगवान की भक्ति वो कर सकता है, वो प्रोमिनेट होगा। और वन कैन स्ट्रेंथन द मोड ऑफ गुडनेस बाय कल्टीवेशन ऑफ दोज थिंग्स दैट आर ऑलरेडी सिचुएटेड इन गुडनेस एंड दस रिलीजियस प्रिंसिपल्स अराइज। सो इसका अभ्यास करने के द्वारा सत्वगुण में स्थित होगा और फिर धार्मिक नीति नियमों को पालन कर सकता है। फिर भगवान ने कहा रिलीजियस प्रिंसिपल्स जो है स्ट्रेंथन बाय द मोड्स ऑफ गुडनेस डिस्ट्रॉय द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। व्हेन पैशन एंड इग्नोरेंस आर ओवरकम देयर ओरिजिनल कॉज इरिलीजन इज क्विकली वैंक्विश्ड। जब आपके रजोगुण और तमोगुण चले जाते हैं तब उसके बाद जो वास्तविक रूप से जो अधर्म है वो चली जाती है। अगाम पहर प्रजा द्वेष काल कर्म च जन्म च ध्यान मंत्र थ संस्कार दशैते गुण हे तब। आगम जो आध्यात्मिक पुस्तक है, अपह जड़, प्रजा लोगों के साथ संग करना, प्रजा जैसे कि बच्चों के साथ, देश काल कर्म च देश काल कर्म ये सारे, जन्म च ध्यान मंत्र अथ संस्कार दस ये ते गुण हे तब। ये दस गुण है, ये जो सारे जो दस गुण है आध्यात्मिक पुस्तक के अनुसार, जड़, बच्चों का संग या स्थान, काल, पात्र, कार्य, जन्म, ध्यान, मंत्र का उच्चारण, ये सब मोड्स ऑफ नेचर बिकम डिफरेंटली प्रोमिनेंट। ये अलग अलग गुणों से अलग अलग तरह के दिखाई देता है। Among the 10 items I have just mentioned, the great sages who understand Vedic knowledge have praised and recommended those that are in the mode of goodness. जो सत्वगुण में है साधु लोगों ने ऐसा करने के लिए गया और क्रिटिसाइज किया गया, रिजेक्ट किया गया है जो कि तमोगुण में है और रजोगुण में है। Until one revives one's direct knowledge of the spirit soul and derives away the illusory identification with the material body and mind caused by the three modes of nature, one must cultivate those things in the mode of goodness. तो सत्वगुण के रूप में ये सारे को cultivate करना चाहिए। By increasing the mode of goodness, one automatically can understand the practice of religion. जब तक सत्वगुण नहीं आएगा तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। By such practice, transcendental knowledge, इसमें जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाशित होता है। जैसा कि उन्होंने एक उदाहरण दिया, वेणु संघर्ष जो बन्हि दग्ध्वा साम्यति तद्वनम एवं गुण व्यततया जो देह साम्यति तत्क्रियः। उनका वेणु संघर्ष जह, जैसा कि वेणु मतलब बांस, बांबू फॉरेस्ट में क्या होता है, द वाइंड समटाइम्स रब्स द बांबू स्टॉक्स टुगेदर एंड सच फ्रिक्शन जनरेट्स अ ब्लेजिंग फायर एंड दैट कंज्यूम्स द वेरी सोर्स ऑफ इट्स बर्थ द बम्बू फॉरेस्ट। जो पूरी ही बांस की जंगल को जला डालती है। दस द फायर इज ऑटोमेटिकली कामड बाय इट्स ओन एक्शन। सिमिलरली बाय द कॉम्पिटिशन एंड इंट्रेक्शन ऑफ द मेटेरियल मोड्स ऑफ नेचर द सटल एंड ग्रोस मेटेरियल बॉडीज आर जनरेटेड। तो इसी गुणों के प्रभाव से ये जन्म लेते हैं। इफ वन यूजेस हिज माइंड एंड बॉडी टू कल्टिवेट नॉलेज, ज्ञान को अभ्यास करता है, देन सच एनलाइटमेंट destroys the influence of mode of nature that generated one's body. Thus, like the fire, the body and mind are precipitated by their own action in destroying the source of their birth. तो मन और जो शरीर, ये उस आग की तरह है, अपने कार्य से ही इनकी अगर जन्म तमोगुण में हुआ है, रजोगुण में हुआ है, तो उसको देह सम्यक तत्क्रिया,
उसी तरह कार्य करने से। फिर उन्होंने कहा कि शुद्ध उद्धव, उद्धव ने पूछता है यहाँ पर, उद्धव उवाच, उद्धव क्या पूछते हैं, वदन्ति मर्त्यः प्राणेन विषयान् पदम आपदम तथापि भुञ्जते कृष्ण तत्कथं सो खराचबत। वदन्ति मर्त्यः प्रायेण, हे कृष्ण, यहाँ पर जो लोग हैं साधन लोग, वो बात करते हैं दैट मेटेरियल लाइफ ब्रिंग्स ग्रेट फ्यूचर हैप्पीनेस, जो भौतिक कार्य है वो जीवन को आनंद देता है, स्टिल दे ट्राई टू एंजॉय देयर मेटीरियल लाइफ। माय लॉर्ड, हाउ कैन वन इन नॉलेज एक्ट जस्ट लाइक ए डॉग एंड आस और गोट। तो बोलते हैं तत् कथम सो खरा अज बथ, खरा अज मतलब गधा या अज मतलब बकरी की तरह कैसे काम करे जो ज्ञान में है। भगवान ने कहा कि हे बुद्ध, ए पर्सन ब्रिलियंट ऑफ इंटेलिजेंस फर्स्ट फॉल्सली आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द मटेरियल बॉडी एंड माइंड, खुद को अपने शरीर और मन मानता है। व्हेन सच फॉल्स नॉलेज अराइजेस विद इन वन्स कॉन्शियसनेस, मटेरियल पैशन एंड द कॉज ऑफ ग्रेट सफरिंग परवेट्स द माइंड व्हिच बाय नेचर इज सिचुएटेड इन गुडनेस। ये जो मिथ्या ज्ञान है जब अपने चेतना से उद्भट हुआ है, जो कि रजोगुण से है, जो बहुत कष्ट देने वाला है, ये मन को ही ग्रसित कर लेता है, कुछ बाय नेचर इज सिचुएटेड इन गुडनेस, लेकिन ये वास्तविक इसका नेचर जो सत्तम गुण का है। देन द माइंड कॉन्टामिनेटेड बाय द पैशन बिकम्स ऑब्जर्व मेकिंग एंड चेंजिंग मेनी प्लान्स फॉर मेटेरियल एडवांसमेंट, तब वो बहुत सारे प्लान बनाता है। दस बाय कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ द मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, फुलिश पर्सन इज एप्लीकेटेड विथ अनबिलीवेबल मेटेरियल डिजायर्स, बहुत प्रकार दुस्सह साथ धी दुर्मते है। भगवान ने इसको कहा दुर्मति, इस तरह बहुत सारे प्लान प्रोग्राम बनाता रहता है। फिर वन हु डज नॉट कंट्रोल द मटेरियल सेंसेस कम्स अंडर द कंट्रोल मटेरियल डिजायर्स इज दस बिल्डर्ड बाय द स्ट्रांग वेब्स ऑफ द मटेरियल पैशन, जो इसको कंट्रोल नहीं करता रजोगुण से ही वो विच्छेद होता है। सच ए पर्सन एग्जीक्यूट्स मटेरियल एक्टिविटीज ऑल्दो क्लियरली सीइंग दैट द रिजल्ट विल बी फ्यूचर अनहैप्पीनेस, फिर भी वो जानता है कि भौतिक समय दुख देने वाला है, लेकिन फिर भी वही करता है। ये रजोगुणी लोगों का कार्य है। जदियो द इंटेलिजेंस ऑफ ए लर्नड पर्सन में बिल्डर्ड बाय द मोड्स ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस, ही शुड कैन केयरफुली ब्रिंग द माइंड अंडर, फिर भी मन को कंट्रोल करना चाहिए। बाय क्लियरली सीइंग द कंटामिनेशन ऑफ द मोड्स ऑफ नेचर ही डज नॉट बिकम अटैच्ड। तो व्यक्ति जीत श्वास जितासन, फिर भी वो उसमें जुड़ता नहीं, उसे अलग होना चाहता है। ए पर्सन शुड बी अटेंटिव एंड ग्रेव एंड नेवर लेजी और मोरोस, ध्यान रखना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए। मास्टरिंग द योगा प्रोसीजर्स ऑफ ब्रीदिंग एंड सिटिंग प्रॉपरली, वन शुड प्रैक्टिस फिक्सिंग द माइंड ऑन मी एट डॉन नून एंड सनसेट, सुबह दोपहर और शाम को व्यक्ति भगवान का चिंतन करना चाहिए। एंड दस ग्रेजुअली द माइंड शुड बी कम्प्लीटली ऑब्जर्व मी, तो मन फिर मेरे से लगेगा। द एक्चुअल योगा सिस्टम इज टॉट बाय माय डिवोटीज हेडेड बाय सनक कुमार इज सिंपली दिस, हैविंग विथड्रॉन द माइंड फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स वन शुड डायरेक्टली अप्रोच एंड अप्रोप्रिएटली ऑब्जर्व इट इन मी। भगवान ने कहा कि मन को इस तरह हमें जो उनके भगवान बोले, मेरे जो भक्त है सनक कुमार ने बताया कि मन को अन्य कार्य से ही विलग करके भगवान के चरण में लगाना चाहिए। उद्धव ने कहा यदा त्वं संख्यदिव्यः येन रूपेण केशव योगम अधिष्ठवान एतद् रूपम इच्छामि वेदितुम्। हे केशव, व्हाट टाइम इन व्हाट फॉर्म डिड यू इंस्ट्रक्ट द साइंस ऑफ योगा टू सनक, कब आपने ऐसा शिक्षा दिया इसकी विज्ञान को सनक को। आई नाउ डिजायर टू नो अबाउट दिस थिंग, मैं जानना चाहती हूँ इसको। तो भगवान ने उत्तर दिया कि एक समय जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए सनक,
जो उसमें मुखिया था, उन्होंने मुझे पूछा अपने पिताजी से कि द डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर द सुप्रीम गोल ऑफ योगा, योगा का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है। तो सनकल लोग पूछा अपने पिताजी से, हे भगवान, पीपुल्स माइंड्स आर नेचुरली अट्रैक्टेड टू मेटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट, लोगों का ऐसा ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति में मन जुड़ा हुआ है, फिर भी सिमिलर द सेंस ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ डिजायर एंटर द, ये जो इच्छा मन में घुस जाता है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, देयरफॉर हाउ कैन ए पर्सन हु डिजायर्स लिबरेशन, जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है, हु डिजायर्स टू क्रॉस ओवर एक्टिविटीज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो इंद्रिय तृप्ति से अलग होना चाहिए, डिस्ट्रॉय दिस म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड द माइंड, प्लीज एक्सप्लेन दिस टू अस। तो ये जो दोनों जो बात है, सेंस सब्जेक्ट हो गया, विषय इंद्रिय टू विषय और मन, इनके संबंध क्या है, तो ऐसा उन्होंने पूछा। श्री भगवान उवाच, भगवान का, एवं पृष्ठ महादेव स्वयंभूर्भूत भावन ध्यायमान प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मधि एवं पृष्ठ महादेव, इस तरह प्रश्न पूछा महादेव द ग्रेट गॉड ब्रह्मा, तब दुध ब्रह्मा खुद भगवान, मतलब भगवान से ब्रह्मा जन्म लिए है, हु इज द क्रिएटर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी विद इन द मेटेरियल वर्ल्ड बीइंग द बेस्ट ऑफ द डेमिगॉड्स सीरियसली कॉन्टेम्प्लेट द क्वेश्चन ऑफ दिस सनसेट व्यक्ति, इसके बारे में बहुत विचार शोध लगाया, ध्यायमान ध्यान किया इसके बारे में, सोचा इसके बारे में, फिर बोला प्रश्न बीजम न अध्यपत्य कर्मधि, तो कर्मधि जो अपना जो उन्होंने सृष्टि किया है, कुना डिस्कस एसेंशियल आंसर टू दिस क्वेश्चन, वो खुद ही चकरा गए ऐसा प्रश्न से, वाज अफेक्टेड बाय हिज ओन एक्टिविटीज, वो तो खुद अपने कार्य से व्यस्त, मतलब इतना परेशान, तो उसको दिमाग चकरा गया उनका। तो जीव गोस्वामी ने इसे कोट किया श्रीमद भागवतम से, कि नाइन्थ चैप्टर से 32 नंबर श्लोक से, कि भगवान कृष्ण ब्लेस्ड ब्रह्मा विथ रियलाइज नॉलेज ऑफ द लॉर्ड्स एक्चुअल फॉर्म क्वालिटीज एंड एक्टिविटीज। तो 9 नंबर श्लोक में उन्होंने कहा, 9 चैप्टर में वर्स 37 कहा, तो भगवान ब्रह्मा को ऑर्डर किया कि उनकी जो लॉर्ड्स इंस्ट्रक्शन है उसको पालन करें, और उर्दस नेवर बी बिल्डर्ड इन दिस इन हिज कॉस्मिक डिसीजन मेकिंग, तो उन्हें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पर चकरा गया। तो फिर ब्रह्मा डिजायर टू आंसर द टू द क्वेश्चन दैट वॉज पजलिंग हिम, दस ही फिक्स हिज माइंड ऑन मी, तो फिर अपने ध्यान किए, तो एट दैट टाइम इन माई फॉर्म ऑफ हम्स आई बिकेम विजिबल टू लॉर्ड ब्रह्मा, मैं हम्स अवतार के रूप में अवतार जो है मैं उनके सामने प्रकट हूँ। जब मुझे देखा दृष्ट्वा माम तो उपब्रज्य कृत्या पदई पदाभिवंदनम ब्राह्मणम अग्रतः कृत्वा प्रपच्छु को भवानी थी, तो उन्होंने कहा मेरा तो पूजा किया, देन फ्रैंकली आस्क्ड मी हू आर यू, मुझे पूछा कौन है आप, थे उद्धव, ये जो द सेजेस बीइंग ईगर टू अंडरस्टैंड द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ योगा सिस्टम दस इंक्वायर्ड फ्रॉम मी, नाउ प्लीज हियर एज आई एक्सप्लेन दैट व्हिच आई स्पोक ऑन टू द सेजेस, मैं जो उन ऋषियों को कहा था चतुष कुमारों को, वो मैं अभी तुमको रिपीट कर रहा हूँ। वस्तुनो यदि अनानत्व आत्मन प्रसन्न इदृश कथम घटे तवो विप्रा वक्तुर्वा मे क आश्रय, हे मेरे प्रिय ब्राह्मणों, व्हेन आस्किंग मी हु आई एम, ये देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, हु आर यू, भगवान को पूछ रहे आप कौन है, तो यू बिलीव दैट आई एम ऑल्सो जीव सोल, मैं भी एक जीव हूँ, दैट देर इज नो अल्टीमेट डिफरेंस बिटवीन अस, हमारे में कोई अंतर नहीं है, सिंस ऑल सोल्स आर अल्टीमेटली वन विदाउट इंडिविजुअलिटी, देन हाउ इज योर क्वेश्चन पॉसिबल और appropriate, ultimately what is the real situation or resting place both of yourself and me, so
उन्होंने कहा कि सिंस ऑल सोर्स आर अल्टीमेटली वन, सारी जो आत्मा एक है विदाउट इंडिविजुअलिटी, देन हाउ इज योर क्वेश्चन पॉसिबल? आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, प्रश्न पूछ नहीं सकते ऐसा नहीं। कथम घटे तो बा विप्रह, प्रश्न दे हम समान होगा तो प्रश्न दे, ठीक है। वास्तविक तो यह है कि फिर उनने पूछा तो भगवान ने कहा पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवान इति वह प्रश्न वाचारंभो ही अनर्थकः। तो आपने भाई आस्किंग, आप जो प्रश्न पूछा हु आर यू, मुझे पूछा आपने, इसकी बात ला यू आर रेफरिंग टू द मेटेरियल बॉडी, इस भौतिक शरीर के बारे में आपने बताया। देन आई मस्ट पॉइंट आउट दैट ऑल मेटेरियल बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फाइव एलिमेंट्स, इसमें पांच थे पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु। दस यू शुड हैव आस्क्ड हु आर यू फाइव, ये पांच आप कौन कौन है। इफ यू कंसिडर, आप अगर ऐसा सोचते हैं दैट ऑल द मेटेरियल बॉडीज आर अल्टीमेटली वन, ये सब एक ही है, बींग कॉन्स्टिट्यूटेड एसेंशियली ऑफ द सेम एलिमेंट, देन योर क्वेश्चन इज स्टिल मीनिंग्स। आप जो प्रश्न पूछा ये भी मीनिंगलेस, इसका कोई अर्थ नहीं बनता। सिन देयर शुड बी नो डीप पर्पज इन डिस्टिंग्विश वन बॉडी फ्रॉम अनादर, तो इसमें पर्पज ही नहीं बनता कि एक अलग से अलग है। दस इट अपियर्स दैट इन आस्किंग माई आइडेंटिटी यू आर मियरली स्पीकिंग वर्ड्स विदाउट एनी रियल मीनिंग और पर्पज। आप जो पूछा है मेरा जो पहचान के बारे में, यू आर मियरली स्पीकिंग वर्ड्स, केवल आप शब्द बोल रहे हैं, कोई पर्पज नहीं। विद इन दिस वर्ल्ड व्हाट एवर इज परसीव्ड बाय माइंड स्पीच आईज और अदर सेंसेस मी एलोन एंड नथिंग बिसाइड्स मी, ये सब मैं ही हूँ। ऑल ऑफ यू प्लीज अंडरस्टैंड दिस बाय स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स। तो फैक्ट्स फिगर मैंने सबूत के साथ हम देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करें कैसे सब कुछ भगवान है। हे मेरे पुत्र, ये जो मन है हैज ए नेचुरल प्रोक्लिविटी टू एंटर इन टू मेटेरियल सेंस सब्जेक्ट, ये भौतिक वस्तु में जो इंद्रिय की वस्तु में जाता है। एंड सिमिलरली द सेंस सब्जेक्ट एंटर इन टू द माइंड, ये जो भौतिक वस्तु भी ये मन में घुस जाता है दोनों। बट बोथ दिस मेटेरियल माइंड एंड द सेंस सब्जेक्ट्स आर मेयरली डेसिग्नेशंस दैट कवर द स्पिरिट सोल विच पार्ट एंड पार्सल ऑफ, ये मेरे जो आत्मा है दोनों को ढक देते हैं जो कि मेरे ही अंश है। और जो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लिया है बाय अंडरस्टैंडिंग, कैसे बाय अंडरस्टैंडिंग दैट ही इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम मी, मुझसे अलग नहीं, उसको अनुभव होता है, मी रियलाइज दैट द मेटेरियल माइंड इज लॉस्ट विद इन दिस सेंस ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज ये जो मन है इसी भौतिक इंद्रिय वस्तु में लॉज हुआ है, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट सेंस ग्रेविटी, पहले से ही इंद्र तृप्ति करते आ रहा है। दैट द मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर एग्जिस्टिंग प्रोमिनेंटली विद इन द मेटेरियल माइंड, ये जो भौतिक वस्तु मन में ये पूरा फिक्स है पहले से। हैविंग अंडरस्टूड माई ट्रांसडेंटल नॉलेज गिव्स अप बोथ द मेटेरियल माइंड एंड, तो इसको समझने का दोनों को परित्याग कर देता है। तो उन्होंने फिर जागृत स्वप्न सुसुप्तम च गुण तो बुद्धिवृत्तयः तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः। जब चलते सोते या गाढ़ निद्रा में जाते हैं, आर द थ्री फंक्शन ऑफ द इंटेलिजेंस, ये बुद्धि का तीन कार्य है, आर कॉज बाय द मोड ऑफ मेटेरियल, ये बहुत ही प्रकृति के काम है। द लिविंग एंटिटी विद इन द बॉडी इज असेंटेड टू पोजेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम दिस थ्री स्टेट्स एंड दस रिमेन्स ए विटनेस टू देम। लेकिन जीव जो है, जो शरीर के अंदर है, पोजेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम दिस स्टेट्स, इसे तीन से ही अलग है। ये ना तो वेकिंग स्टेट में है, स्लीपिंग स्टेज में है, या डीप, ये इसमें नहीं, ये ऊपर है, इसलिए सदैव विटनेस है। लेकिन यरिहि सम सृष्टि बंधोयम आत्मान गुण वृत्ति दह मयि तुर्य स्थितो जयत त्यागस्तद गुण चेतसाम। द स्पिरिट सोल, जो यहां पर बताया कि जो स्पिरिट सोल इज ट्रैप्ड इन द बॉन्डेज ऑफ मेटेरियल इंटेलिजेंस व्हिच आवर्स इन कांस्टेंट एंगेजमेंट इन द इल्यूजरी मोड्स ऑफ नेचर,
ये जो आत्मा है इसमें एंट्रैप्ड हो गया है भौतिक बुद्धि से, और उसी वो उसको पुरस्कार दे रहा है कि ये भौतिक प्रकृति में फंसे रहो। सो आई एम द फोर्थ स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, मैं चौथे स्टेज में रहता हूँ चेतना की। बियॉन्ड वेकफुलनेस, ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप, ये तीनों से अलग हो। बिकमिंग सिचुएटेड इन मी दिस सोल शुड गिव अप द बंडेज ऑफ मेटेरियल कॉन्शियसनेस। एट दैट टाइम, उस समय दी लिविंग एंटिटी विल ऑटोमेटिकली रिनाउंस द मेटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड द सेंस ऑफ मेटेरियल माइंड। तो उसी समय द लिविंग एंटिटी, जो जीव है, विल ऑटोमेटिकली रिनाउंस द मेटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड द मेटेरियल माइंड, मन और इसको छोड़ देगा। द फॉल्स ईगो ऑफ द लिविंग एंटिटी प्लेसेस हिम इन बॉन्डेज, जो अहंकार है इसको बंधन में डालता है। आवर्स हिम एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ व्हाट ही रियलाइज, जो चाहता है उसे अपोजिट देता है। देयरफॉर एन इंटेलिजेंट मैन शुड गिव अप हिज कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी टू एंजॉय मेटेरियल लाइफ, इसलिए छोड़ एंग्जाइटी छोड़ देना, एंड रिमेन सिचुएटेड इन द लॉर्ड, भगवान में ही ध्यान लगाना चाहिए। हु इज बियॉन्ड द फंक्शन ऑफ मेटेरियल कॉन्शियसनेस, बहुत ही चेतना से परे है। तो भगवान ने कहा, यामन्नानार्थ दीपुंसः न निवर्तेत युक्तिभिः जागृति अपि स्वप्न अज्ञः स्वप्ने जग्रणम यथा। तो मेरा उपदेश सुनो, अकॉर्डिंग माई इंस्ट्रक्शन, वन शुड फिक्स द माइंड ऑन मी अलोन, मुझे मन लगाना चाहिए। वन कंटिन्यूज टू सी मेनी डिफरेंट वैल्यूज एंड गोल्स इन लाइफ रादर देन सीइंग एवरीथिंग विद इन मी, बहुत कुछ दिखेगा। देन ऑल दो अपेरेंटली अवेक, यदि वो जागरूक रहेगा, वन इज एक्चुअली ड्रीमिंग, स्वप्न अवस्था रहता है ड्यू टू इनकम्प्लीट नॉलेज, ज्ञान के अभाव से। जस्ट एज वन मे ड्रीम दैट वन हैज अवेकन फ्रॉम ए ड्रीम, व्यक्ति स्वप्न होता है कि मैं स्वप्न से भी अलग हो चुका, नहीं। सो दो स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस दैट आर कॉन्सेप्ट अ सेपरेट फ्रॉम द सुप्रीम पर्सन गॉड हेड हैव नो एक्चुअल एग्जिस्टेंस, जो भगवान से अलग है उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ऑल्दो दे क्रिएट ए सेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द एब्सोल्यूट ट्रूथ, अलग जैसे लगता है। जस्ट एज जो स्वप्न देखा, इमेजिन, उसको इमेजिन होता है मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज एंड रिवार्ड्स, बहुत सारे अलग अलग उसको कार्य भी दिखता है, रिवार्ड भी मिला है उसे लगता है। उसी तरह बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम द लॉर्ड्स एग्जिस्टेंस, द लिविंग एंटिटी फॉल्सली परफॉर्म्स फ्यूटिलिटी एक्टिविटीज, लोग सकाम कर्म करते हैं थिंकिंग देम टू द कॉज ऑफ फ्यूचर रिवार्ड्स एंड डेस्टिनेशन, वो खुद सोच लेते हैं कि आगामी समय उसको रिवार्ड मिलेगा, अच्छा गति होगा, वो सोचते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जब जागरूक रहता है, व्हाइल अवेक द लिविंग एंटिटी एंजॉयज विथ ऑल ऑफ हिज सेंसेस द फ्लीटिंग कैरेक्टर्स ऑफ द मेटेरियल बॉडी एंड माइंड, व्हाइल ड्रीमिंग ही एंजॉय सिमिलर एक्सपीरियंस विद इन माइंड, स्वप्न अवस्था में वही भी सोचता है। इन डीप ड्रीमलेस स्लीप ऑल सच एक्सपीरियंस रिमर्ज इन टू इग्नोरेंस, ये सारे एक्सपीरियंस तमोगुण में चले जाता है अंधकार में। बाय रिमेंबरिंग एंड कंटेम्पलेट द सक्सेशन ऑफ वेकफुलनेस ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप द लिविंग एंटिटी कैन अंडरस्टैंड दैट हिज वन थॉट थ्रू आउट द थ्री स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस ट्रांसडेंटल, ये तीनों को जब विचार करेगा कि जागृत अवस्था, सुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था, तीनों को तो समझ, दस ही बिकम्स द लॉर्ड ऑफ द सेंसेस, ऐसा विचार करने से जाकर स्वप्नों से ऊपर उठेगा। यू शुड कंसिडर, आपको सोचना चाहिए हाउ बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ माई इल्यूजरी, मेरे जो बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति है, वो किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है ये थ्री स्टेट्स ऑफ माइंड, मन को। कॉज बाय द मोड्स ऑफ नेचर हैव बीन आर्टिफिशियली इमेजिन टू एग्जिस्ट इन मी, हैविंग डेफिनेटली असर्टन द ट्रूथ ऑफ द सोल, यू शुड यूटिलाइज द सर्पेंट सोर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान के द्वारा, अकॉर्ड बाई लॉजिकल रिफ्लेक्शन, तर्क के द्वारा, एंड फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन सेजेस एंड वैदिक लिटरेचर्स, ये सारे द्वारा टू कम्प्लीटली कट ऑफ द फॉल्स ईगो, ऐसा मिथ्या को काट दो, व्हिच इज ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ ऑल डाउट, जो कि पूरी जितना भी सारे समस्या का ब्रीडिंग मतलब जन्म स्थान है। ऑल यू शुड देन वर्शिप मी हु आई एम सिचुएटेड इन द हार्ट, जो मैं हृदय में, एवं विमर्श गुण तो मनसो
स्त्री अवस्था, इनका तीन अवस्था को मान मायया मई कृता इति निश्चितार्थ संचिद्य हृदम अनुमान सद उक्ति तीक्ष्ण, हृदय अनुमान सद उक्ति तीक्ष्ण ज्ञानासीन भजत, ज्ञानासीन होकर के भजत भजन करो माखिल संशयाधीन। थर्टी फोर में उन्होंने कहा वन शुड सी, देखना चाहिए दृष्ट्वाम ततः, देयरफॉर वन शुड सी, क्या देखना चाहिए प्रतिनिवर्त्य निवृत्त तृष्णा। तो ये जो भौतिक संसार है, जो डिस्टिंक्ट इल्यूजन अपियरिंग इन द माइंड, मन में ये बना हुआ है, माइंड में अपियर हुआ है, बिकॉज मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैव एन एक्सट्रीम फ्लिकरिंग एग्जिस्टेंस। ये जो भौतिक वस्तु कुछ समय के लिए, कोई भी वस्तु ले लो ज्यादा समय नहीं टिकने वाला है, आर हियर टुडे एंड गॉन टुमारो, आज मिला है कल छूट जाएगा। दे कैन बी कंपेयर्ड टू द स्ट्रिकिंग रेड लाइन क्रिएटेड बाय व्हीलिंग ए फेरी स्टिक, कंपेयर्ड टू स्ट्रिकिंग रेड लाइन व्हीलिंग फायर स्ट्रिक। जैसे कि आप कभी कभी आग को ऐसा घुमाओ बहुत तो एक ही दिखता है ना, लेकिन ऐसा नहीं। द स्पिरिचुअल बाय नेचर एग्जिस्ट इन सिंगल स्टेट ऑफ प्योर, ये एक ही दशा में है आत्मा चेतना। हाउवर इन दिस वर्ल्ड ही अपीयर्स इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स एंड स्टेज ऑफ एग्जिस्टेंस, लेकिन अलग अलग दिखाई देता है। द मोड्स ऑफ नेचर डिवाइड द सोल्स कॉन्शियसनेस इन टू नॉर्मल वेकफुलनेस ड्रीमिंग एंड ड्रीमलेस स्लीप। मनुष्य चेतना को भाग कर दिया है। ऑल सच वेराइटीज ऑफ परसेप्शन हाउ आर एक्चुअली माया एंड एग्जिस्ट ओनली लाइक ए ड्रीम, ये स्वप्न जैसा रहता है। त्यक्त्वा ब्रह्मण्य न भजे भवेत स्मृतिर अनिपतात। तो फिर उन्होंने भगवान ने कहा देहम च नश्वरम अवस्थितम उत्थितम वा सिद्धो न पश्यति यतो ध्या गमत स्वरूपम दैवाद अपेतमत दैव वशात उपेतम वसो यथा परिकृतम आदिर मदांधः। जैसा कि उन्होंने एक उदाहरण दिया, ड्रंकर्ड मैन जो नशा किया है डज नॉट नोटिस इफ ही इज वेयरिंग हिज कोट और शर्ट, कपड़ा पहना कि पता नहीं। सिमिलरली उसी तरह वन हु इज ए परफेक्ट सेल्फ रिलेशन हु हैज दस अचीव्ड हिज इटर्नल आइडेंटिटी डज नॉट नोटिस वेदर द टेम्पररी बॉडी इज सिटिंग और स्टैंडिंग। ये जो भौतिक शरीर है खड़ा हुआ है बैठा है समझ में, वास्तव में इफ बाय गॉड्स विल द बॉडी इज फिनिश्ड, भगवान की कृपा से अगर ये शरीर छूट जाता है, बाय गॉड्स ग्रेस विल ही ऑब्टेन ए न्यू बॉडी, भगवान की कृपा से दूसरा शरीर मिलेगा। ए सेल्फ रियलाइज सोल डज नॉट नोटिस, तो आत्मा इसकी नोटिस नहीं करता, इसकी फेर में नहीं पड़ता। जस्ट एज ए ड्रंकर्ड मैन डज नॉट नोटिस द सिचुएशन ऑफ इज आउटवर्ड ड्रेस। क्या बोला, बासो यथा परिकृतम मदिरा मदांध, मदिरा व्यक्ति जैसा, बासो यथा परिकृतम मदिरा मदांध, दारू पीने वाला व्यक्ति जैसा नहीं ऐसा। फिर उन्होंने कहा देहोपि दैववासः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रतिसम्मिकष्ट एव सासुः तंस प्रपञ्चम् अधिरूध समाधि योगः स्वप्नं पुनर्न भजति प्रतिबुद्ध वस्तु। ये जो मेटेरियल बॉडी है, भौतिक शरीर है, सटनली मूव्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम डेस्टिनी, भगवान कृपा से चलता है। देयर मस्ट कंटिन्यू टू लिव along the senses and vital air as long as one's karma is in effect, karma jab tak hai tab tak karega. A self-realized soul jo atma sakte vyakti hai however who is awakened to the absolute reality jo khud ki swarup avastha mein pahunch chuka hai and who is thus highly situated in the perfect stage of yoga ki siddhi prapt kar chuka hai will never again surrender to the material body, is bhautik sharir ko prapt nahi karta and its manifold manifestation knowing it to be just like a body visualized in dream. जैसा कि ये कैसा है विजुअल एंड स्वप्न पूर्ण न भजते, दोबारा स्वप्न नहीं देखता है, आई डोंट वांट टू सी एनी मोर ड्रीम, और ड्रीम नहीं, तम स प्रपंचम, ये प्रपंच में फेर में नहीं पड़ता, अभी
अधिरुद्ध समाधि योग, क्योंकि योगा को प्राप्त कर चुका है। योगी मीन्स हु इज नॉट एस्पायरिंग एनी मोर न्यू बॉडी। हे प्रिय ब्राह्मण, मैंने आपको बताया, आई हैव नाउ एक्सप्लेन टू यू द कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ऑफ सांख्य बाय व्हिच वन फिलोसॉफिकली डिस्टिंग्विश मैटर फ्रॉम स्पिरिट, मैटर और जो पदार्थ और आत्मा से या चेतन से, जैसे आप अष्टांग योग में बन गए, बाय व्हिच वन लिंक्स अप विद द सुप्रीम, भगवान के साथ लिंक कर सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो दैट आई एम द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेड विष्णु, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ, एंड दैट आई हैव अपीयर्ड बिफोर यू डिजायरिंग टू एक्सप्लेन योर एक्चुअल रिलीजियस ड्यूटी। मैं आप लोगों को ये आपके धर्म क्या है बताने आया। ओ वेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस, प्लीज नो दैट आई एम द सुप्रीम सेंटर ऑफ योगा सिस्टम। योगा का अगर ध्येय क्या है, मैं ही हूँ। एनालिटिक फिलोसॉफी, वेरियस एक्शन, ट्रूथफुल रिलीजियस प्रिंसिपल्स, पावर, ब्यूटी, फेम एंड सेल्फ कंट्रोल, मैं अहम योगो से सांख्य, भगवान खुद के बारे में बता रहे सत्वास्य तेजस परायणम द्विज श्रेष्ठ श्रीय कीर्तेर्दमस्य च। मैं ये जितना भी संसार है भगवान है, फेम सेल्फ कंट्रोल, दिस इज कृष्ण। फिर बोला माम भजति गुण सर्वे, ये जितना सारे ऑल सुपरियर ट्रांसेंडेंट क्वालिटी, इतना सारा महान गुण है, बीइंग बियॉन्ड द मोड्स ऑफ नेचर, भगवान प्रकृति डिटैच द एवोल्यूशन, द मोस्ट डियर, द सुपर सोल, इक्वालिटी सिचुएटेड एवरीवेयर, फ्री फ्रॉम मेटेरियल एंटैंगलमेंट, ऑल सच क्वालिटीज, फ्री फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म मेटेरियल क्वालिटीज, फाइंड दर शेल्टर एंड वर्शिप विल ऑब्जेक्ट मी। तो ये जो सारे दिव्य गुण है, ये सब भौतिक तीन गुणों से परे है। अनासक्त जो द वेलविशर सबसे जो प्रिय है, शुभेच्छु है परमात्मा, इक्वल छुट्टी सभी जगह समान रहता है, फ्री फ्रॉम मेटेरियल एंटेलमेंट, ऑल सच क्वालिटीज, जितना भी सारे गुण है वो फ्री फ्रॉम द ट्रांसफर मेटेरियल क्वालिटीज एंड दे आर शेल्टर एंड वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट में। भगवान कृष्ण ने कहा इति मे छिन्न संदेह मुनयः सनकादयः स्वभाजयित्वा परया भक्त्या गृणित संस्तवे। भगवान कृष्ण ने कहा हे प्रिय उद्धव, दस ऑल द डाउट्स ऑफ द सेजेस हेडेड बाय सनक वर डिस्टर्ब्ड बाय माय वर्ड्स, मेरे शब्द से उड गायब हो गया। Fully worshipping me with transcendental love and devotion, they chanted my glories with excellent hymns. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhakti ke saath agrinita. Bhagavan gungan kya? Agrinita, agrinita. Gungan kiye? Past tense mein. Samstavehi Bhagavan ke bibhinna sundha shlok mein. Stuti kiye. Hirvada tair aham pujita samyak. संस्तुत परमार्षिभिः प्रत्यया शोकम धाम पश्यतः परमेष्ठिनः। द ग्रेटेस्ट ऑफ सेजेस रेड बाय सनक ऋषि दस परफेक्टली वर्शिप्ड एंड ग्लोरिफाइड मी, मुझे पूजा किया, सम्मान किया, एंड दस एज लॉर्ड ब्रह्मा लुक ऑन आई रिटर्न टू माई ओन अबाउट। तो फिर मैं मेरे धाम में चला गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, हरे कृष्णा।